तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या फिर किसी भी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार दिया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर अगर आप चाहते हैं उसको ब्लॉक मारने के बाद भी हम कैसे मैसेज कर सकते हैं या फिर जो है अपने आप को कैसे हम अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना तो फिर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको इसी का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको दो ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। पहला ट्रिक में जो है आप उसको मैसेज कर सकते हैं अगर उसने आपको ब्लॉक मार दिया है, और सेकंड ट्रिक में जो है आप अपने आप को अनब्लॉक कर सकते हैं। इसी वजह से जो है दोनों ट्रिक काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और फिर दोनों में से कोई ना कोई ट्रिक आपका काम में आ जाएगा। तो फिर इस वजह से वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट ट्रिक की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिस बंदे ने आपको ब्लॉक मार दिया जो है आप उसको ब्लॉक होने के बाद भी जो उसको मैसेज कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने मुझे ब्लॉक मारा है, इसका जो प्रोफाइल पिक्चर भी हाइड हो रहा है। तो फ्रेंड आपको एक काम करना है, आपके घर में दो तीन फ़ोन तो होगा ही, अगर आपके घर में फ़ोन नहीं है तो आप किसी भी फ्रेंड का फ़ोन थोड़ा देर के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको उसका फ़ोन लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैंने अपने दोस्त का एक फ़ोन ले लिया। अब फिर इसमें क्या करना है, जिस बंदे ने आपको ब्लॉक मारा है उसको और जो है आप अपना नंबर, ठीक है, आप अपना खुद का नंबर और जिस बंदे ने आपको ब्लॉक मारा है उसका नंबर, दोनों का नंबर को मिला करके आपको एक ग्रुप बनाना है। आपको यहाँ पे ट्विटर पे क्लिक करना है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पर जा करके आपको दोनों बंदों को मिला करके एक ग्रुप बना लेना है। दोनों बंदों को यहाँ पर ऐड कर लेना है और यहाँ पर जो है हम अपना दोनों नंबर यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको एक ग्रुप बना लेना है, ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में जो मैं भी हूँ और वो बंदा भी है जिसने मुझे ब्लॉक मारा है। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको जो है अपना पर्सनल नंबर को यहाँ पर जो है आपको ग्रुप का एडमिन बना देना है। यहाँ पर इस प्रकार से मैं ग्रुप एडमिन पर आपको क्लिक करके और जो है आपके फ्रेंड के मोबाइल से एग्जिट ग्रुप वाला बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपका काम खत्म हो गया। अब इस ग्रुप में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो बंदा है, एक मैं हूँ और दूसरा वो बंदा है जिसने मुझे ब्लॉक मारा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अपना फ़ोन में ले चलता हूँ। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप जो है बना हुआ है, तो इसमें दो बंदा है, एक मैं हूँ और एक वो बंदा है जो बंदा ने मुझे ब्लॉक मारा है। अब इस ग्रुप में आप कुछ भी मैसेज कीजिएगा ना तो फिर आप उसके पास डायरेक्टली चला जाएगा। यहाँ पर जो है आप जो भी मैसेज कीजिएगा डायरेक्टली उसके पास चला जाएगा, उसने अगर आपको ब्लॉक मार रखा है तो भी, क्योंकि मैसेज तो आप ग्रुप में कर रहे हैं, ग्रुप में आपके अलावा उसके अलावा कोई है नहीं, तो फिर वो बंदा को पूरा का पूरा मैसेज चला जाएगा। तो फिर इस ट्रिक को अप्लाई करके जो है आप किसी भी बंदे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको उसने ब्लॉक मार दिया तो। तो फिर चलिए चलते हैं यहाँ पे सेकंड ट्रिक की ओर। तो फिर यहाँ पे सेकंड ट्रिक ये है, अगर आप अपना नंबर जो है अनब्लॉक करवाना चाहते हैं खुद से, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, व्हाट्सअप का सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर डाल करके डिलीट माई अकाउंट वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है बेसिकली क्या करना है, आपको व्हाट्सअप को यहाँ से जो है जाकर के अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जो है आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करके ऑन करना है और जो है प्ले स्टोर से जाकर के दोबारा से व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद से जब आपका व्हाट्सअप डिलीट हो जाता है तो उसके मोबाइल में से ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये दोनों ट्रिक मैंने आपको जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इस दोनों ट्रिक्स को अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है तो। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन अमेजिंग वीडियो में।